हंगामा सड़कों पर, तमाशा तमाशा, वो 40 लाख रुपया खर्च रहा है, वहाँ मेजाम किसका पकड़ा गया मेरा? उनको जेल जाना चाहिए तक नहीं, मैं तो अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ कैसे उनकी जमानत हो गई उन दफाओं में, वहाँ से जो लोग पकड़े गए थे उनका मान सिंह है, यह और गुंडेगर्दी न तो भाजपा की चलेगी न तो सपा की चलेगी, क्रिमिनल बैकग्राउंड के न तो सभासद हमारे सेफ रहेंगे न उनके। नमस्कार दोस्तों, वापस आप लोगों के बीच में नए खबर के साथ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाजपा से इस समय डॉक्टर वीके सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं कल जो जीत इन्होंने हासिल की है उस पर किसका श्रेय जाता है और कितनी कठिनाइयाँ झेलते हैं लोग, जैसे यहाँ पर जो विपक्ष में इस समय लगातार इन पर आरोप लगा रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और जैसा कि आपको पता है कि बड़ी अच्छी जीत मिली है और लोगों में काफ़ी उत्साह है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ काफ़ी लोग आपके यहाँ आवास पे आए हैं और इतने सारे बुग्गे पूरे इलाहाबाद के आपको मिल रहे हैं, कितनी खुशी लग रही है सर? खुशी तो बाई हार्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि ये मेरे लिए पहला मौका है किसी राजनीतिक पद पर बैठने का, और यह जीत जो आप बोल रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ शीर्ष नेतृत्व का, जिसने मेरे ऊपर विश्वास जगाया जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के दोनों सांसद का, दो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, तीन नगर के भी हैं जमुना पार गंगा पार के, प्लस पार्टी कार्यकर्ताओं का एक फोरम से मेरा टिकट निर्धारण हुआ और उसमें मुझको चांस मिला। मैं पहले चिकित्सा प्रकोष्ठ का सहसंयोजक था भारतीय जनता पार्टी का, अभी मुझको नया दायित्व मिला और उसमें, और यह जीत का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो सदस्य थे उनको। एक चीज और जानना चाहूँ, जैसे कि सपा वाले लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जैसे कि हारने के बाद वो ईवीएम चिल्लाते हैं, इस बार भी वही हो रहा है कि मतलब धरना प्रदर्शन कई जगह, लाठीचार्ज भी उन पे हुई? नहीं, ऐसा है कि पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसकी मॉनिटरिंग थी, पर्यवेक्षक भी आए हुए थे, हाईकोर्ट के डायरेक्शन से आए हुए थे, और बैलेट बॉक्स को खोला गया, हमारे सामने सील किया गया, और सीसीटीवी कैमरा था, क्लोज सर्किट कैमरा भी था, वीडियोग्राफी भी थी, और बहुत ही उत्तेजित कैंडिडेट सपा के श्रीमती मालती देवी जी मेरे सामने लड़ रही थी, बहुत उत्तेजित थी, हर पॉइंट पे उन्होंने उसको चेक कराया, और बाद में काउंटिंग के समय में 5-5 लोगों को, मेंबर्स को और बुलाया गया, ज्यूरी के आप भी देख लीजिए जी जी, वो बैलेट जो सील किया गया, जो बैलेट खुला उसमें तो जो निकलेगा उनको भी मानना था, मुझको मेरा यही जनादेश है, यही डेमोक्रेसी है ना, यही आपके जीत है, जो पब्लिक का और मेंबरों को जिसका जो भी आदेश है, जो रिजल्ट है उसमें क्या ह्यू एंड क्राई। इसके बावजूद भी मतलब इस तरह का हंगामा और सड़कों पर तमाशा, वो 40 लाख रुपया खर्च रहा है, वहाँ मेजाम किसका पकड़ा गया मेरा? उनको जेल जाना चाहिए तक नहीं, मैं तो अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ कैसे उनकी जमानत हो गई उन दफाओं में, वहाँ से जो लोग पकड़े गए थे उनका मान सिंह है, यह है और गुंडेगर्दी न तो भाजपा की चलेगी न तो सपा की चलेगी, क्रिमिनल बैकग्राउंड के न तो सभासद हमारे सेफ रहेंगे न उनके सेफ रहेंगे, जो भी आदमी क्रिमिनल बैकग्राउंड का और जो है सोशल ऑफेंडर है, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, बहुत से कोटेदार ऐसे हैं जो कि जिला पंचायत के सदस्य बन गए, बीडीसी बन गए, सबके ऊपर कड़ाई होगी। मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे पास जितना राजनीतिक पावर रहेगा मैं उसको जरूर उसको उपयोग करना चाहूँगा और उसको प्रयास भी करूँगा अथॉरिटी से कि यह जो सिस्टम चल रहा है उसकी गवर्नेंस हो। लोग बोलते हैं हॉस्पिटल बनाई ना, तो हॉस्पिटल नहीं बनाना है, जो हॉस्पिटल उसको चलाना है, सड़कें जो है उसको कीचड़ से भरी हुई ना, उसकी सफाई होनी है, उसकी जो है रख रखाव होना है, जो सफाई कर्मचारी अपनी जगह पर दूसरे को अटेंडेंस दे करके अपने घरों पड़े हुए हैं उनको अपने सामने प्रेजेंट कराना है, सबसे पहली मेरी मुहिम यही रहेगी। और मेरे अपने परित के अंदर तो जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन मेरे राजनीतिक पावर से या तो कद से अगर मुझको कहीं एक्सेस मिलेगा हायर अथॉरिटीज़ में, तो मैं ज़रूर इन इश्यूज़ को उठाना चाहूँगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए आपको बड़ी भारी जिम्मेदारी मिलेगी, तो कितना सहयोग कर पाएंगे आप? समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के लिए शरीर। केशव प्रसाद मौर्य जी ने आप पे हाथ रखा और उनको इस विश्वास के साथ आप आगे सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करने की बात आप कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो अनुशासित कार्यकर्ता ही हूँ ना पार्टी का, तो केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, तो बड़े सभी लोग हैं ना, मैं तो अभी बिल्कुल छोटे से पोस्ट पर हूँ। तो हम सर ये उम्मीद करेंगे आगे आपको सांसद के रूप में या विधायक के रूप में देख सकते नहीं, हैं? मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं जहाँ हूँ यह रिस्पांसिबिलिटी मैं निभा ले जाऊँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसको भी पार्टी जहाँ अवसर भी, तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने जा रहे हैं और आगे जो जहाँ भी विधानसभा के, मेरी राय ली जाएगी, मेरी राय नहीं भी ली जाएगी। सर प्रतापगढ़ में बीजेपी पार्टी से जो क्षमा सिंह थी वो हार गई, तो वहाँ पर राजा भैया के ऊपर आरोप लग रहे थे। मेरा जो है दायरा सिर्फ इलाहाबाद तक है, प्रतापगढ़ और जौनपुर और मिर्जापुर में बिल्कुल नहीं जानता। थैंक यू सर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो विरोधी समय बड़ी तगड़ी हार पाए हैं, तो विपक्ष के लिए क्या संदेश देंगे? बोला था सेमीफाइनल है, अच्छा तो सेमीफाइनल तो देख लिया गया, अब उनको अपनी पराजय स्वीकार कर करके वो 2022 से अपने पैकअप हो जाना चाहिए,
दूसरे प्रदेश की तरफ कूच कर जाना चाहिए। गुंडेगर्दी की सरकार या गुंडेगर्दी के लोगों का सामाजिक प्रश्रय और उनको सामाजिक दायित्व ऐसी जगहों पर नहीं बैठने देना है जो कि समाज को खराब करे। जहाँ की आपको चलने में, आप जैसे पत्रकार भी हैं कि आप कैमरे तोड़े जाए वो भी आप लोगों ने बर्दाश्त किया, हाईकोर्ट का घेराव भी आपने बर्दाश्त किया है, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त किया है, हमारे छात्रों ने भी बर्दाश्त किया, प्रतियोगी छात्रों ने भी बर्दाश्त किया। बेहतर यूपी दिया जा रहा है, 60-70 सालों में जो दशा थी वो एक दिन में नहीं सुधरती। आपके घर में भी अगर कहीं कोई दीवार खराब हो जाती है, प्लास्टर करा लेते हैं, 6 महीने लगते हैं उसको रिपेयर करने में। तो यूपी शासन हम लोगों को बार बार चाहिए, और बार बार यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब वह एजेंडा पूरा होगा। और कुछ आपको पूछना हो तो मैं और सर, यहाँ पे जो सारे कार्यकर्ता हैं इनका कितना सहयोग रहा आपके उत्साहवर्धन में, और कितना पूरा इन्हीं का है, मेरा कुछ भी नहीं है पूरा। मैं तो कहाँ खाना खाया हूँ, कहाँ कैसे हुआ, इन्होंने मुझको सुबह जगाया, मुझको रात को सुलाया, जहाँ जहाँ ले गए। मान लीजिए विभवनाथ भारती जी बैठे हुए हैं, जमुना पार्क के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अच्छा। और यहाँ फोकस करिए उनके ऊपर। हाँ तो देखिए, और इन्होंने मुझको वहाँ के रास्ते बताए हैं जमुना पार्क के। और अगर आपको मौका मिलेगा तो इनके साथ आप जमुना पार्क जाइएगा। पेयजल कितनी समस्या है कि आप तो पीने का पानी कम से कम 1-1 किलोमीटर से लोग लेकर के आते हैं। बस एक आखिरी क्वेश्चन ही पूछूंगा, योगी जी को क्या देखते हैं कि ये दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में? सर इतना सपोर्ट रहेगा, आप लग रहा करना पड़ रहा है भाई, 325 था आपकी बार, तो 400 जीतना है। वेरी गुड। हाँ 400 जीतना है। और हम लोग तो प्रार्थना भी करते हैं रोज यही ईश्वर से, कोई अपने परिवार के लिए जितने भी लोग बैठे पहले नहीं प्रार्थना करते, वी प्रे फॉर द पार्टी, वी प्रे फॉर द सोसाइटी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्चित फल कदाचन। समझे नहीं आप? तो आज सर अभी यहाँ पे बता दूं आपको, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, कोई भी दुखी ना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ये फर्स्ट प्रेयर है हम लोग सभी पार्टी वर्कर्स, और इसी पे चल रहे हैं। सबसे जो अंत्योदय कार्यक्रम था, सबसे लास्ट सोपान पे जो लोग हैं, सबसे महिले कुचले जो लोग हैं, उनको ले आके बैठाना, साथ में भोजन कराना, उनको सामाजिक अपलिफ्टमेंट करानी है, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल है। आप उसमें से अभी हम लोग के साथ और रहेंगे और इंटरव्यूज लेंगे, हमसे भी ज़्यादा योग्य लोग हैं पार्टी में जो कि इन चीज़ों को आपको समझाएंगे, उस पर मोटिव है। नहीं तो मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस छोड़ करके, अपना इतना अच्छा अपना बिजनेस अपने निकाले छोड़ के, मैं यहाँ जगह 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 कर रहा हूँ, तो उसमें किसी व्यवसाय को जैसे कोई नहीं आ गया है, सामाजिक सेवा है मूल भाव है। अब प्रयागराज में सर दोबारा दर्शन का, वो आज आप कहीं जा रहे हैं? मेरा नेटिव प्लेस है हंडिया, जहाँ मैं रहने वाला हूँ। मेरे फादर डॉक्टर, वहाँ पर भी कुछ आज बड़े आयोजन कार्यक्रम होंगे, पार्टी के लीडर रहे हैं, और मैं अभी आशीर्वाद अपने परिवार में नहीं ले पाया, और मेरे वाइफ भी वहाँ है। कल आपके यहाँ सर भारी मात्रा में लोगों ने मतलब यहाँ पे बधाई दी, कौन कौन से लोग खास लोग आए थे यहाँ पर? सांसद थे दोनों। अच्छा। लोग माननीय केसी देवी जी थी, माननीय रीता जोशी जी थे, हमारे विधायक जी थे, राजमेरी कौन थे, अजय भारती जी थे, और हर्ष वाजपेयी जी थे। बहुत से ऐसे लोगों से मुझको आशीर्वाद लेना पड़ा जिन्होंने मुझको घर से आशीर्वाद दिया था, विभिन्न राजनीतिक दलों के और सामाजिक स्वरूप वाले लोग थे जिन्होंने मुझको मेम्बर्स दिया था, और मंदिर हनुमान मंदिर का मैं पुजारी हूँ, तो वहाँ मैं गया था मत्था टेकने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, और अपने को सबसे बड़ी चीज़ भगवान से मांगने के लिए सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरा दिन सही हो और मैं सही रहूँ लोगों के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति, यही मेरी प्रार्थना है। और आप लोगों से भी यही है कि जो भी पॉजिटिव रहेगा समय समय पर आप मुझको आगाह करते रहेंगे और मैं अच्छा चलने की कोशिश करूँगा। हम भी सर यही चाहेंगे कि आपको बजरंग बली का आशीर्वाद मिले और ऐसे ही लोगों के लिए आप सेवा करते रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीके सिंह, जिन्होंने अपनी सारी बातें बताई, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितना लोगों का सहयोग रहा, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी थोड़ा बात करेंगे, कितना वो लोग खुश हैं